मोर के पंख। एक बात बताओ भैया, ये तो लीगल नहीं है बेचना, फिर कैसे बेचते हो आप लोग? ये पूजा पूजा में काम आते हैं इसलिए बेचते हैं। तो जानवर को मार के ये सब लीगल है? इसको मारना लीगल है? वो लीगल नहीं है। फिर इसको नहीं मार सकते भाई। फिर इसका पंख कैसे? पंख है ना, ऐसे गिर जाते हैं। ऐसे तो नहीं गिरते ये, तो आपको नॉलेज नहीं है मैम। इतना अच्छे से नहीं गिरते, सावन में गिरते हैं, उनको इकट्ठा करा जाता है हर जगह से। और जो न्यूज में आते हैं कि मोर को जिंदा पंख निकाल रहे हैं, वो नहीं, ये कैसे दे रहे हो? एक अगर ऐसा करेंगे ना तो इसमें खून आ जाएगा उसमें, आपकी जान। वो तो साफ किया जाता है फिर वो खून? नहीं, नहीं, इसमें लगेगा तो साफ नहीं होगा। इतनी इतनी सफाई से नहीं कराया जाएगा ना साफ, इतनी सफाई से तो नहीं कर सकता इंसान साफ। और कैसे कलेक्ट करते हो एक एक करके पंख इतना ज्यादा? साइज के होते हैं, छोटे बड़े, कहीं कहीं गिरा होगा ना उस जंगल में, पूरा जंगल घूमता है। राजस्थान में बहुत मोर होते हैं, 200-250, तो वो कलेक्ट करने वाले घूमते रहते हैं। बच्चे लोग कलेक्ट करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ इन्हें ट्रॉफी के लिए या किसी के लिए? अच्छा, उनको अच्छा। दे देते हैं। ऐसा होता है? हाँ। तो कैसे दे रहे हो? एक एक 10 रुपए का, बट ये पूजा में यूज करे जाते हैं। तो ठीक है। आपने ये वीडियो देखा, ये ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का डिमांड बढ़ रहा है हमारे मार्केट में, वो सप्लाई को मेंटेन करने के लिए मास किलिंग होता है पीकॉक का, ये भी है। और सरकार पीकॉक को मार के पंख निकाले गए और ऐसे नेचुरल झड़ने वाले पंख निकाले गए, इन दोनों में हम लोग फर्क नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि इन दोनों को हम लोग अलग से दो प्रोसेस, एक नेचुरल वाले जो पंख मिलते हैं और जो जबरदस्ती निकाले जाते हैं, इसमें कोई पाबंदी लगेगी या फिर सिर्फ वही बेच सकते हैं जो नेचुरल है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। तो पीकॉक का किलिंग होता है, ये लोग मारते हैं इनके पंख के लिए, और ये बहुत दुख की बात है।